आज हम लोग करने वाले हैं मैगी रोस्टिंग। अच्छा सब भूलेंगे, ज्यादा देर भी नहीं। नमक लाने भूल गया यार। आज मैगी पसंद है, अभी ट्राई करने। हेलो जी, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होने, अच्छे रहना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यस, टाइम नॉट अभी सुबह के 7:35 हो चुके। अभी मैं जस्ट उठाऊँ, ठीक है? तो एक बार बस फ्रेश अप करते हैं, उसके बाद घर से निकलते हैं। और आज मैं प्रॉपर ब्लॉग करने वाला हूँ, नॉट मोटो ब्लॉग, आज ब्लॉग करने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम पूरा ब्लॉग करेंगे। खेती जाना है मुझे, तो खेती में जाएंगे। आज मैगी रोस्टिंग करने वाला, मैं फर्स्ट टाइम, मैंने कल फेसबुक पर देखा था। टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से फ्रेश अप करते, उसके बाद निकलते, ठीक है? तो ये लो जी, अब निकल चुके हैं अभी घर से। अभी यहाँ से खेती हार्डली 5 मिनट्स लगेगा पहुँचने के लिए, तो वहाँ पर जाएंगे। और हम लोग क्या करने वाले आज, आई थिंक आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा शायद। आज मैं करने वाला व्लॉग, ठीक है? फर्स्ट टाइम मैं व्लॉग करने वाला, व्लॉग नहीं, मोटो व्लॉग नहीं, व्लॉग करने वाला हूँ। अभी थोड़ा सा मोटो व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि आपके साथ बात करना है, इसीलिए। आज मौसम थोड़ा खुला है, देख सकते हो, थोड़ा सुंदर लग रहा है। यहाँ पर फिर खुला नहीं है क्योंकि बारिश आते रहते हैं, तो अभी शाम को ज़रूर बारिश आएगा, 110% बारिश आएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा बारिश आएगा तो, ठीक है? तो आज हम लोग करने वाले हैं मैगी रोस्टिंग। बेसिकली मैंने कल देखा था मैगी रोस्टिंग फेसबुक में, जब मैं रोल कर स्क्रॉल कर रहा था तभी मैंने देखा कि मतलब मैगी को रोस्ट करके बना रहे, ठीक है? तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, तो टेस्टी भी लग रहा, देखने में टेस्टी लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं भी आज बना के देखता हूँ और प्लस व्लॉग भी करता हूँ आपके साथ, क्योंकि व्लॉग तो डालना हफ्ता में एक दिन, तो इसलिए खूबसूरत लग रहा। देख रहे हो बादल किसे चिपक के बैठे, बादल और माउंटेन एक साथ, मस्त लग रहे, खूबसूरत लग रहे। तो मैगी रोस्टिंग करेंगे खेती पे जाके, क्योंकि खेती में थोड़ा काम भी है मेरा। ये वाला सीन देखो ना, मस्त लग रहा है ना, खूबसूरत लग रहा है। तो वहाँ पर खेती पे काम भी है, तो मैगी रोस्टिंग भी करके आएंगे, क्योंकि लंच तो करना है मुझे, क्योंकि मैं घर में आके लंच करता हूँ। तो आज मैंने सोचा वहीं पर लंच भी कर लेता हूँ, और मैंने सामान भी लेके आया बैग में। तो जाएंगे, बनाएंगे और दिखाएंगे और खा के बताएंगे कैसा होता है, कैसा नहीं होता। मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा, मैंने मतलब स्क्रॉल करते करते मैंने देखा फेसबुक पर, तो फिर मैंने बैक कर दिया अचानक से, ठीक है? तो मुझे वापस मिला नहीं, और मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया मैगी रोस्टिंग, कहीं पर भी नहीं मिला। और मुझे जितना याद है वो याद है, तो जाके बनाएंगे। सामने पर ये खेती, तो वहाँ पर जाएंगे, बनाएंगे, आपका साथ आपको दिखाएंगे और खा के बताएंगे कि कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है? तो ये लो जी, हम पहुँच चुके हैं खेती। बाइक को पार्क करके रखते आगे में, खूबसूरत नज़ारा। अच्छा, आई थिंक इसको ही थंबनेल लग दूंगा यार, मस्त लग रहा है। ऊपर में जाके दिखाता हूँ आपको नज़ारा, रुक के दिखाता हूँ प्रॉपर, कि पहाड़ों में रहने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये लो जी, हमने बाइक को यहाँ पर पार्क कर दिया, तो ऊपर में खेती, तो वहाँ तक चलते, क्योंकि हेलमेट में बात करना पड़ेगा। ईयरफोन का माइक यहाँ पर है, तो साउंड क्वालिटी थोड़ा अच्छा आएगा। ये ईयरफोन निकालते हो थोड़ा कम आ जाता है, बट थोड़ी देर के लिए आवाज़ सही आने के लिए, तो थोड़ा ऊपर चलते, ठीक है? उसके बाद आपको दिखाते। तो ये लो जी, हम पहुँच चुके हैं खेती। ये पूरा खेती, ये क्या क्या खेती आप लोग देख सकते हो। ये है पत्ता गोभी, तो यहाँ पर पूरा पत्ता गोभी है, थोड़ा सांस फूल रहे। वहाँ पर मैं छोटा सा कैंप बारिश से बचने के लिए, देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है, माउंटेन के साथ बादल किसे चिपक के रखा है। तो देख लो ये खूबसूरत सा, ये देख लो खेती खूबसूरत सा है। तो ये खूबसूरत है, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? ये तो ओ माय गॉड यार, एक लाइक तो बनता है, ठीक है? क्या मस्त लग रहा है, देख रहे हो जूम करके, शेट मैन खूबसूरत लग रहा है। तो ठीक है, अभी मैं सामान लोग को निकालता हूँ, तब तक आप सिनेमैटिक थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है? ये लो जी, हमने सब सामान निकाल दिया, अभी वहाँ पर रख दिए। कैसा लगा सिनेमैटिक? आई होप कि पसंद आए, पसंद लाइक कर देना, ठीक है? तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना, क्योंकि मैंने 2 रील्स अपलोड किया, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे, तो जाके देखना, अच्छा लगेगा आपको भी आई होप कि। तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, ये तो आप फॉलो कर सकते हो, Himalayan Writer 04 जो यूट्यूब पर है वही है मेरा नाम इंस्टाग्राम पर। तो अभी बारिश आने वाला है ऐसा लग रहा है, देख रहे हो पूरा मौसम काला हो चुका है। तो फटाफट से मुझे, मैंने लकड़ी तो कल लेके रखा था, तो आपको दिखा देता हूँ। लकड़ी तो मैंने कल ही लेके रखा था, ये देख सकते हो, थोड़ा सा लकड़ी चाहिए। और वहाँ पर है सामान, यहाँ पर है मैगी, टमाटर, मिर्चा, और ये कोयल पेपर चाहिए, और ये थोड़ा सा तेल, और ये छोटा सा कढ़ाई, उसमें थोड़ा सा प्याज और टमाटर और सबको भूनना पड़ेगा, तो इसीलिए। तो मुझे चाहिए अभी केला का पत्ता, जो कि वो वहाँ पर है, ठीक है? वहाँ पर है, तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा लेने के लिए, अभी लेके रख देता हूँ। और अभी टाइम 11:20,
तो अभी फटाफट लेके रखना पड़ेगा क्योंकि बारिश आई गई लग रही है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मौसम थोड़ा काला है, वहाँ पर थोड़ा खुला ही है सुबह का जैसे, बट यहाँ पर थोड़ा सा मौसम काला है। तो फटाफट जाके केला का पत्ता को लेके आते क्योंकि वहाँ पर है, उसमें बनाएंगे तो फ्लेवर थोड़ा अच्छा आएगा, तो वहाँ पर है तो पहले जाके लेके आते, ठीक है, केला का पत्ता को लेके आते। पूछने वाला हूँ मैं, मेरे पास गम्बूट है, इसको गम्बूट बोलते हैं, ठीक है, तो ये तो जाने में तकलीफ नहीं होगा। ओ शेट, यहाँ से जाओ कैसे अभी, वहाँ पर एक केला का पत्ता, और मैं चक्कू भी लेके नहीं आया, कुछ भी लेके नहीं आया। अच्छा काटा रे भाई, ये देख रहे काटा ये पूरा, जाऊँ तो जाऊँ कैसे, अरे यार मुझे लगा था बहुत सामने है, कुछ लेके भी नहीं आएगा, जो ठीक है वहीं पहुंच के आपको दिखाते हैं। ये लो जी मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली, तो बहुत ही ऊपर में, फिर मैं काटने के लिए कुछ लेके नहीं, मैं से तोड़ू कैसे आगे, ये बड़ा समस्या हो गया है। तो यहाँ पर बहुत सारा बर्ड है, आपको दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा, तो इतना बड़ा सा केला का पत्ता है, मुझे ये वाला चाहिए, इतना बड़ा तो नहीं चाहिए बट तोड़ू कैसे आप, ये दूसरा प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं कुछ करते हैं। बहुत ही संघर्ष के बाद मुझे फाइनली मिल गया है, तो मेरा हाथ में काटा चला गया है, तो बहुत ही मेहनत करने के बाद मुझे फाइनली ये मिल गया है, तो बहुत ही अच्छा वाला मिल गया, तो अब इसको लेके चलते हैं, उसके बाद बनाते हैं मैगी रोस्टिंग फर्स्ट टाइम, आपको भी दिखाते हैं, तो चलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा काटा है, देख के जाना पड़ेगा, ब्लॉक करते करते फिर काटा में ना घुस जाऊँ, तो फटाफट चलते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मिलते हैं वहाँ पर। चलो जी पहुँच चुके हम लोग कैंप, तो यहाँ में ले लिया ये, तो मैंने थोड़ा सा धो भी दिया है क्योंकि और पानी था, मेरे पास पानी ज़्यादा नहीं है, एक ही बोतल पानी है, तो अभी फटाफट से प्याज लोग काटते हैं, उसके बाद बनाते हैं मैगी रोस्टिंग, और यहाँ पर जलाऊंगा थोड़ी देर बाद, प्याज टमाटर लोगों को पहले काट देते हैं, उसके बाद बनाते हैं, ठीक है। ये लो जी हमारा प्याज वोज कट के हो चुका है, टमाटर भी मैंने काट दिया, सब कुछ काट दिया है, अभी मैं आग जलाता हूँ, तब तक आप टाइम लो, उसको एंजॉय कीजिए, मैं आग जलाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। कैसी लगी टाइम लैप्स, आई होप कि आपको सब पसंद है, पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना, और हमारा आग जल के रेडी हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने आग जला दिया यहाँ पर, और अभी मौसम पूरा फॉग फॉग होकर रखा है, तो फटाफट से मैगी रोस्टिंग को बनाते हैं, उसके बाद खाते हैं, बहुत जोर से भूख भी लगी और मेरे सर में थोड़ा दर्द दे रहे, तो इसलिए मैं रुमाल बांध के रखा हूँ, तो फटाफट से मैगी को बनाते, तो पहले हमें प्याज को भूनना पड़ेगा, मैंने छोटा सा एक कढ़ाई लेके आया हूँ, छोटा सा ये, तो थोड़ा सा इसमें ऑयल भी है, तो ये लेके आया, और फिर इसको पकाते, थोड़ा सा हल्का सा भूनते इसको, क्योंकि इसको भूनना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आग को मिलाते हैं, तो मैंने अभी तेल को डाल दिया अंदर में, तो अभी प्याज और मिर्चा को पहले पकाते हैं, उसका टमाटर को थोड़ा सा हल्का सा पकाते हैं, उसके बाद फिर हम कोल्ड पेपर में मैगी को डालेंगे, उसके बाद बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे। मुझे बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा देखने में, और खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी करता हूँ, उसके बाद आप सबको भी दिखाता हूँ कैसे होता है। और मैं दो चीज़ भूल गया, मिर्चा पाउडर और मैंने हल्दी डालना है भूल गया, तो वो थोड़ा सा डालना था बट भूल गया, कोई बात नहीं, इस ऐसे भी मैगी बन जाता है। तो अभी हमारा तेल रेडी हो चुका है, तो इसमें डालते हैं प्याज और मिर्चा, वाह तो हल्दी चाहिए था बट कोई बात नहीं, अभी बन जाएगा मैगी, थोड़ा सा इसको पकाते हैं, जिधर जा रहा हूँ उधर ही धुआं धुआं आ रहा है, तो हल्का सा भुनेंगे, ज़्यादा देर भी नहीं, ऐसे खाने का ना मज़ा ही कुछ और है, कैंपिंग करके और ऐसे खाने में बाहर में खाने का टेस्ट बहुत ही अलग आते हैं, भले मतलब सब कुछ ना हो, अभी मेरे पास मिर्चा पाउडर नहीं, हल्दी नहीं, बट खाने में अलग ही मज़ा आएगा, फिर घर में बनाओगे ना तो घर में सब सामान चाहिए होता है, मिर्चा पाउडर चाहिए, टमाटर चाहिए, हल्दी चाहिए, ये पाउडर चाहिए, वो पाउडर चाहिए, सब चाहिए होता है, बट जंगल में ऐसा नहीं होता है, कुछ भी बना लो और भूख लग रहा तुम्हें तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ओ शेट मैं नमक लाना भूल गया, अरे यार सबसे बड़ा चीज़ मैं भूल गया, अभी नमक लाना ही भूल गया, शिट धुआं धुआं हो गया, नमक लाना ही भूल गया यार, अरे यार ऐसा कैसे होगा अभी।
जो मेन चीज़ है वही लाना भूल गया मैं अभी, और पूरा आंसू आंसू हो गया वो धुआं की वजह से। हो जाएगा मैगी, क्योंकि मैं मैगी दो बनाऊंगा, ठीक है। मेरे पास तीन मैगी है तो मैं दो मैगी बनाऊंगा और तीन मसाला डालूंगा, तो मसाला में थोड़ा नमक रहता है तो आई थिंक हो जाएगा। तो जुगाड़ लगा के बनाना पड़ेगा, तो दो मिनट पकने देते तो बात मिलते हैं, ठीक है। तो ये लो जी, हमारा पक चुका टमाटर मिर्चा प्याज, तो इसको अभी नमाते, सही से नहीं पका क्योंकि इसको फिर से पकड़ना पड़ेगा। इसको पहले निकालते, ठीक है, आग से। देख रहे हो मस्त से पक गया है ये, तो इसको फिर से वापस तो पकने हैं, इतना चलेगा। ये मैं तीन पैकेट मैगी लेके आया था, बट अभी दो पैकेट बनाने वाला हूँ मैं, क्योंकि नमक ही नहीं लाया हूँ मैं अभी। तीन मसाला डालूंगा तो आई थिंक नमक हो जाएगा। तो एक बार तोड़ देते मैगी को बस। तो इसमें जा रहा है ये मसाला, प्याज मसाला नहीं, प्याज जा रहा है, प्याज टमाटर सब जा रहा है। तो ये क्या मसाला, इसको थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि मसले अच्छी तरह से घुल जाए मैगी पर। तो मुझे तो अभी से मतलब मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लग रहा है। तो अभी इसको हमें रोल करना है कुछ इस तरह पर, किस तरह। ओह शिट मैन, फट गया अभी ये, तो हल्का सा ये फट गया यहाँ से, तो मुझे डबल करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर पानी भी थोड़ा जाएगा, तो फिर इसके अंदर पानी नहीं रहेगा मुझे पर लगता है। आई थिंक अभी नहीं गिरेगा, इसमें पानी डालते थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मैं पानी डालने नहीं वाला हूँ क्योंकि नमक है ही नहीं मेरे पास, तो हल्का सा पानी डालेंगे। आई होप कि पानी ना गिरे अभी थोड़े। ओह शिट पानी गिर ही रहा है, थोड़ा मिक्स करते इसको पहले ताकि अच्छी तरह से मसाला लग जाए। उसका पानी पूरा गिर रहा है अभी, आई डोंट नो उसका कैसे बैठा होगा, इसमें तो पूरा गिर ही रहा है मेरा में। तो कोई बात नहीं, थोड़ा मिक्स करते हैं, उसके बाद कोल्ड पेपर में फटाफट डालते हैं इसको। तो ये लो जी, हमारा हो चुका है पूरा सेट, तो अब इसको आग में डालते हैं। तो ये लो जी, हमने रख दिया है मैगी को यहाँ पर, तो अभी 5 मिनट जैसे पकने देते हैं क्योंकि 2 मिनट में मैगी पक जाता है, तो वैसे भी पक चुका था। तो देखते हैं कैसा हो, क्योंकि पानी पूरा लीक हो रहा था, तो आई होप कि मतलब सही से बन जाए, मुझे नहीं लगता कि सही से बनेगा। तो लेट्स सी क्या होता है, जैसे बनता है मुझे खाना है, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। तो 2 मिनट वेट करते हैं उसके बाद खाते हैं। आई थिंक ये पक चुका है अभी अंदर में, मुझे ऐसा लगता है, बट इसका झोल है ना, पानी है ना, पूरा गिर रहा है बाहर में, तो देखते हैं कैसा होता है। आई थिंक सही नहीं रहेगा, पका कि नहीं गया वो भी पता नहीं कि मतलब कितना पानी था उसका अंदर में, आधा तो गिर ही गया अंदर में। तो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। भूख तो लग रही मुझे, कच्चा होने से मैं खा दूंगा, तो निकालते, ठीक। देख सकते हो मैंने निकाल लिया ये मैगी को, अभी देखते हैं अंदर में खोल के कैसा है, थोड़ा गर्म है, थोड़ा देर रुकता हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसा रहेगा। तो ये रही मैगी, तो मुझे लगता है कि मतलब खुशबू तो आ रही है कि मतलब सही हुआ होगा, तो होप फॉर द बेस्ट। थोड़ी गर्म है, तो देख रहे हो यहाँ से पूरा पानी निकल गया ये। ओह शिट, पानी, आई थिंक पानी पूरा गिर गया था इसका वजह से, पका नहीं है बिल्कुल भी। तो देख सकते हो आप लोग, पका नहीं है मेरा मैगी क्योंकि पानी पूरा गिर गया है। तो लेट्स सी, थोड़ा नीचे का थोड़ा पका है क्योंकि पानी पूरा गिर गया था, ऐसा नहीं कि कुछ पका नहीं है, नीचे का थोड़ा पका है, ऊपर का थोड़ा नहीं पका है। तो अभी थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कैसा रहता है। टेस्ट वाइज तो मस्त है, बट थोड़ा सा कच्चा है, ऊपर का थोड़ा कच्चा है, बट नीचे का जो हिस्सा ये वाला हिस्सा थोड़ा पका है, तो अलग टेस्ट है। शायद मुझे भूख लग के ऐसा हो सकता है, बट मज़ा आ रहा खाने में। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे तो नहीं हुआ है, बट सही है, मुझे टमाटर बहुत अच्छा से पक गया है। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे कैसा तरह पका है, तो काफ़ी टेस्टी बना है, बहुत ही अलग फ्लेवर है, और ये केला का पत्ता है उसमें खाने में और अलग से मज़ा आ रहा है। आपको भी मैगी पसंद है तो आप भी ट्राई करना एक बार, मैं इसको बाद में फिर बना के देखूँगा क्योंकि पानी यहाँ से पूरा निकल गया था। तो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा अच्छे से करूँगा क्योंकि मेरे पास पत्ता भी ज़्यादा नहीं था,
उसका कारण से, तो मैं भी देख सकता हूँ सही हुआ है। और नमक भी मतलब लग गया, लगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग पानी मत नीलना ठीक है, मैं खा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख बंद कर रहा हूँ आज। जो करते हैं ना यूट्यूबर्स लोग, सिर्फ खाना खाते हैं, तो वो देख के मैं भी कभी कभी थूक नील लेता हूँ अपना। तो आई होप कि आप लोग ना नीले पर सही बनाए, एकदम परफेक्ट। मिर्चा इतना खाता नहीं हूँ, इसको मैं फेंक देता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। दाल में खा लेता हूँ, बट मुझे मिर्चा का गंध इतना पसंद नहीं है। थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा हो क्योंकि पूरा फोक आ चुका है, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 1:30 ऐसे कुछ हुआ है। तो मेरा फटने की वजह से इतना सही नहीं हुआ क्योंकि मसाला एक साथ चला गया, प्याज वाँच एक साथ चला गया, आप लोग देख सकते पूरा प्याज से रुपया भी। तो उसके कारण अगर मैंने मिर्चा खा दिया एक दो, अगर ऐसा नहीं होता तो सही बनता। तो मैं बाद में कभी दिन ट्राई करूँगा अच्छे से बनाने के लिए, और आपको भी दिखाऊंगा शायद। ये लो जी, हो गया खा के, और इसे हम कहीं भी थ्रो कर सकते हैं क्योंकि ये पता ही है। बहुत ही मज़ा आया खा के, पर मेरी भूख पूरी गई नहीं है, थोड़ा सा पानी चाहिए। दो तीन पीस मिर्चा खा दिया तो बहुत ज़्यादा जहर लग रहा है। अभी मैं यहाँ पर रुकूँगा आई थिंक 6 बजे तक, उसके बाद घर जाऊँगा, और थोड़ा काम भी है। बट अभी बारिश आएगा जैसा हो रहा है, तो देखता हूँ बारिश नहीं आता तो मुझे काम करना है, और डायरेक्ट शाम को जाएंगे ठीक है। उसके बाद अभी कुछ नहीं दिखाने के लिए, बताने के लिए आपको, क्योंकि पूरा चारों तरफ फॉगी फॉगी देखा, कोहरा ही कोहरा। तो डायरेक्ट शाम को मिलते ठीक है घर जाते वक्त, उसके बाद व्लॉग को भी एंड करते। आई होप कि आज का व्लॉग लंबा ना हो, क्योंकि मैं सोच रहा था छोटा करूँ, मतलब लास्ट टाइम भी लंबा हो गया व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग एटलीस्ट 10 to 12 minutes का हो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अगर होता है तो सही है, नहीं तो देखते क्या होता है। तो ये अगर बाद में मिलते ठीक है, शाम को जाते वक्त, उसके बाद व्लॉग को भी एंड करते। हेलो जी, इट्स टाइम टू पैकअप, मैं जा रहा हूँ घर। अभी टाइम हो चुका है घर जाने का, 6:20 हो चुका है, और अभी रात होने को है, और पूरा कोहरा ही कोहरा क्योंकि बारिश हुआ था। मैंने आपको सुबह बताया था 110% बारिश गिरेगा, तो बारिश हुआ है। और एक बात, और मुझे आज पता नहीं था कि ईद है बोल के, अभी मुझे पता चला ईद है बोल के। तो आप सबको ईद मुबारक हो, आप लोग जितने भी जन ईद मनाते हो, तो आप लोग अच्छे से मनाइए, अपने फैमिली के साथ अच्छे से इन्जॉय कीजिए। तो मैं तो नहीं मनाता ईद, बट मैं आपको विश तो कर सकता हूँ ईद मुबारक हो ठीक है। और मैंने फर्स्ट टाइम व्लॉग किया, बहुत ही मज़ा आया व्लॉग करके, प्रॉपर व्लॉग ठीक है, नॉट मोटो व्लॉग, मैं हमेशा मोटो व्लॉग करता हूँ। तो आज व्लॉग किया, मतलब व्लॉग सिर्फ व्लॉग नॉट मोटो व्लॉग, तो बहुत ही मज़ा आया। आई होप आपको पसंद आया, मेरा फर्स्ट व्लॉग था ये, तो ठीक ही था एक्सपीरियंस, मज़ा आया। कैसी लगी वीडियो, आई होप आपको पसंद आया, पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए बी सेफ, राइट सेफ, एंड ईद मुबारक हो।